इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि मंगल सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मंगल जो है सिंह राशि में 9/8/2019 को प्रवेश करेगा। अभी तक ये कर्क राशि में नीच का होके बहुत सारा इसने मैलिफिक इफेक्ट दिया, जो कि पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें घटित हुई जो मैंने आपको पहले डिफाइन की। लेकिन मंगल का अब ये शुभ परिवर्तन जो होने जा रहा है सिंह राशि वालों के लिए, तो सभी के लिए कैसा इसका फल रहेगा और आज हमने इसकी कैलकुलेशन करी है। तो सिंह राशि जो होती है वो सूर्य की प्रधान राशि होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कारक राशि होती है, और मंगल जो होती है एक तरह से फायरी और एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि एक आर्मी का बंदा जो है, यानी कि एक सिपाही जो है, एक जो कि ईगो वाला प्लेनेट है मंगल, गुस्से वाला प्लेनेट है, वो सिंह राशि में आने जा रहा है। तो सूर्य के घर में मंगल बहुत ताकतवर बन जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ इसकी घनिष्ठ मित्रता मानी जाती है। और मंगल का जो जो प्रभाव होता है वो जब अपनी ताकत में आता है तो बहुत अच्छे शुभ फल भी देता है, क्योंकि मंगल एक ऐसा कारक ग्रह है जो कि मांगलिक कार्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और जिनका भी योग कारक मंगल होता है उनको प्रॉपर्टियों से, भूमि से बहुत तगड़ा लाभ देता है। मंगल इलेक्ट्रॉनिक का स्वामी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत अच्छा लाभ देता है। मंगल जो है अग्नि चीज़ों का स्वामी है, पेट्रोलियम का स्वामी है, उस चीज़ों से बहुत लाभ मिलता है मंगल का। जिनका मंगल उच्च का होता है उनको ड्रास्टिकली जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो मंगल की स्पीड बहुत होती है, मंगल जो होता है घटित बहुत जल्दी करता है घटनाओं को। तो मंगल क्या है कि अब जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है सिंह राशि में, तो वो माघ नक्षत्र के साथ आपका प्रवेश करेगा, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु मंगल का परम मित्र माना जाता है, राहु उसका शत्रु माना जाता है। तो माघ नक्षत्र केतु के साथ मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों का कैसा रहेगा प्रभाव। मेष राशि वालों का जो लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो पंचम भाव में आने से इनको बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, इनकी बुद्धि में इम्प्रूवमेंट आएगा, इनके डिसीजन पावर में काफ़ी एकदम ले सकेंगे। जो पीछे चल रहा था टाइम पिछले 90 दिन से, वो इनका बैड ख़त्म हो गया है। तो इनको प्रॉपर्टियों से लाभ मिल सकता है, इनका कर्जा उतर सकता है। और दूसरी बात यह है कि मंगल की जो दूसरी राशि है इनकी 8th हाउस की, वहाँ पर इनकी सेहत का मंगल फायदा करेगा। और चौथी दृष्टि इसकी जाएगी अपनी ही राशि में, तो वहाँ पर इनको आकस्मिक धन लाभ देगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, मंगल जो है पूरे 45 दिन का जो भ्रमण होता है मंगल का, ये पूरे 45 दिन ही अस्त रहेगा सूर्य, क्योंकि पीछे रहेगा और उसके बाद सूर्य जब एंटर करेगा आगे आ जाएगा, तो उसका प्रभाव मंगल के ऊपर रहेगा। मंगल जो है इस समय अस्त चल रहा है, आगे भी अस्त चलेगा, इस ये पूरी राशि में अस्त रहेगा। लेकिन अस्त होते हुए भी जिनका भी कुंडली में अस्त नहीं है उनके लिए 50 से 60% तक रिजल्ट अच्छा देगा, और जिनकी राशि में अस्त है उनके लिए थोड़ा से ये जो फल है वो उसमें कमी लाएगा, क्योंकि अस्त ग्रह जो जब भी अस्त ग्रह हो जाता है तो उसके फलित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो चीज़ें देता है लेकिन डिले करके देता है, ऐसा नहीं है कि अस्त ग्रह बिल्कुल काम नहीं करता। तो मंगल की जो आपकी जो दूसरा नक्षत्र जब इनका जो चरण पड़ेगा वो पड़ेगा जो 30/8/2019 को, मंगल पूरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में यहाँ पे चरण रखेगा और 25/9/2019 तक रहेगा, उसके बाद ये कन्या राशि में चला जाएगा। तो मंगल अपने लाभ भाव को देखेगा और लाभ को लाभ की स्थिति बनाएगा, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेगा और आपके धन में वृद्धि करेगा। तो दूसरी अब राशि की बात करते हैं जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का मंगल जो है चौथे भाव में आ गया। अब चौथा भाव क्या होता है, वाहन भूमि प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पर मंगल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संबंध बनाने जा रहा है, आप भूमि वाहन प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग आपके ऊपर बना है।
अब ये आपके ऊपर डिसीजन पावर देखनी है, आपको डिसीजन लेना है यहाँ पर क्विक कि आपको भूमि इनके जल्दी से जल्दी फाइनल करनी है या आपको अभी और डिले करना है, क्योंकि मंगल अपना कार्य तत्व दिखाएगा, आपको भूमि की अपॉर्चुनिटी देगा, डिसीजन आपके ऊपर होगा, क्योंकि अस्त रहेगा डिसीजन में, ये थोड़ी सी कमी तो लाएगा, लेकिन फिर भी आपका मंगल अगर आपको स्ट्रांग करना है हनुमान जी की उपासना करिए। अब इसका माघा का नक्षत्र होगा, केतु का नक्षत्र होगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी आपका जो बैठा है धनु राशि में वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा अपने कार्य काम करते हुए या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हुए उसको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, ध्यान से देखना है, तभी उसका एग्रीमेंट करना है। मंगल की जो आपकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे जाएगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनिक के काम में आपकी वृद्धि करेगा, पेट्रोलियम के काम में वृद्धि करेगा, आगजनी के काम में वृद्धि करेगा, और आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपको घर का सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपकी जाएगी सीधी इनकी कैरियर भाव में, पद मान प्रतिष्ठा में करेगा, आपकी नौकरी में पदोन्नत करेगा, आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करेगा और लाभ में वृद्धि करेगा। 30/8/2019 को ये पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में चला जाएगा, वहाँ शुक्र का नक्षत्र होगा, मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा शुभ फल करेगा आपको। अब मंगल जो है मिथुन राशि वालों का तीसरे भाव में जब आएगा सिंह राशि में, तो आपको मित्रों से लाभ देगा, भाई भाइयों से लाभ देगा, और छठे भाव जो है आपका जागृत हो जाएगा, छठा भाव जो है आपका मंगल की राशि है, तो आपको कर्जे से मुक्ति करेगा, आपको रोग रिपु ऋण से मुक्ति करेगा, मंगल लोन को उतारता है। तो मंगल जो है जब 30/8 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा तो शुक्र की चीज़ों में वृद्धि करेगा। केतु आपका सप्तम भाव में रहेगा, कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है आपका कहीं ना कहीं मार्क प्लैनेट भी बनता है। मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का मंगल जो है दूसरे भाव में जा रहा है, वाणी में कुटुंब में जा रहा है, आपको अचानक से धन देगा, क्योंकि ये आपके पंचम भाव का भी लॉर्ड है, आपको बुद्धि से आपको धन देगा, आपके डिसीजन पावर को अच्छा करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये केतु के नक्षत्र में होने से आपका छठा भाव जागृत रहेगा, दुश्मनों को ये हरा देगा, बीट करेगा, क्योंकि मंगल की खासियत होती है कि दुश्मनों को बीट कर देता है, शत्रुओं को बीट कर देता है, जिन कोर्ट केस में विजय भी कर सकता है मंगल आपका। और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र में 30/8 को जाएगा, तो शुक्र की चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा, जैसे चौथे भाव में प्रॉपर्टी का आपकी सेल पे परचेज कर सकता है, और दूसरी राशि आपकी लाभ भाव की है तो मंगल आपको बिजनेस से भी लाभ दे सकता है। तो मंगल का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए काफ़ी अच्छा लेके आया है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का राशि में लग्न में ही आ गया है, तो इनके लिए बहुत ही योगकारक प्लेनेट है, और इनका जो टाइम खराब चल रहा था वो बहुत शुभ होने वाला है। वो केतु के नक्षत्र में जब एंटर करेगा तो केतु की जो आपकी शनि के साथ जमावड़ा है पंचम भाव में, पंचम भाव को आपको टारगेट करेगा। यहाँ पर केतु जो बैठा है वो आपके पेट में थोड़ी सी केतु प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, पेट से संबंधित बीमारियाँ पैदा करेगा, आपको गैस्ट्रिक कब्ज आदि देगा। और मंगल की चौथी दृष्टि आपकी चौथे भाव में बढ़ेगी, बहुत ही अच्छा साइन आपके लिए लेके आया है, आपको प्रॉपर्टी से धन देगा। सिंह राशि वालों जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं उनके लिए ये 45 दिन का टाइम बड़ा शुभ है। और सप्तम दृष्टि आपकी कार्यक्षेत्र पे पड़ेगी, और आठवीं दृष्टि आपकी इनकी जो बढ़ेगी आपकी हेल्थ पे पड़ेगी, आयु पे पड़ेगी, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में ये 30/8 को आपको ड्रास्टिकली व्यापार में वृद्धि करेगा और मित्रों से धन लाभ देगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों का मंगल 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, 12वां घर आपका कोर्ट कचहरी केस फॉरेन यात्रा का होता है, यहाँ पर मंगल आपको यात्रा कराएगा, विदेश में घूमने ले जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी चौथी दृष्टि तीसरे भाव में जाएगी, भाई मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, आपके भाईजन आपको कहेंगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपकी छठे भाव पे पड़ेगी, आपको कर्जे से मुक्ति दिलेगा, और चौथी दृष्टि इसकी तीसरे भाव में पड़ेगी, और आठवीं दृष्टि आपकी सप्तम भाव में पड़ेगी, तो आपको कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेगा, आपके व्यापार को चमकाएगा, डेली रूटीन वर्क में आपकी यात्रा कराएगा। अब ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में 30/8 को जाएगा, तो आपकी शुक्र की राशियां जो है वो है भाग्य की राशि, और दूसरी है आपकी कुटुंब परिवार की वाणी की राशि को ये यहाँ पर हिट करेगा, जिसकी वजह से आपका ये भाग्य उदित करेगा, भाग्य में इंप्रूवमेंट लाएगा, फॉरन से आपको कोई ना कोई समाचार मिल सकता है, और परिवार से भी आपको खुशी का समाचार मिल सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का मंगल लाभ भाव में संचार करेगा, लाभ भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पर सिंह राशि में ये बैठेगा केतु के नक्षत्र में। केतु आपका ऑलरेडी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठने से आपको
भाई मित्रों के साथ ट्यूनिंग आपकी बना के रखनी पड़ेगी। आप कोई ऐसा वर्ड मत बोलिए जिससे आपको कि मंगल की वजह से आपके भाइयों के साथ, क्योंकि बड़े भाई का घर होता है 11, आपको कहीं ना कहीं भाइयों के साथ आपका ट्यूनिंग ना खराब करे। आपको वाणी में कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि सीधी वाणी पे जाएगी, कुटुंब परिवार पे जाएगी। धन तो देगा, लाभ भी देगा, और लेकिन वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी को कंट्रोल करिए। और इसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, आपके बच्चों से आपको शुभ फल प्राप्ति होगी। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जिनके, उनको भी शुभ फल मिलेगा, स्पोर्ट्स आदि में रिकॉग्निशन और नाम फेम करेंगे बच्चे। आठवीं दृष्टि आपकी छठे भाव में रिपु रंग रोग पे जाएगी, आपको चोट दुर्घटना के थोड़े से आप चांस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो छठे भाव की राशि है वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है। अब ये जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 30-8 को जाएगा, तो शुक्र की राशियां आपकी लगन की और दूसरी राशि आपकी 8th हाउस की एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा। अब अगली बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का जो मंगल है वो छठे भाव में जा रहा है, छठा भाव सॉरी वृश्चिक राशि वालों का जो मंगल है वो दशम स्थान में जा रहा है। दशम स्थान आपके पद पद में आपकी बढ़ोतरी करेगा, व्यापार में बढ़ोतरी करेगा। मंगल का ये जो ट्रांजिट है वृश्चिक राशि वालों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेके आ रहा है, क्योंकि इनकी साड़शक्ति का जो मैलेफिक इफेक्ट है धीरे धीरे यहाँ से स्लैब शुरू हो जाता है, वो कम होता चला जाएगा। मंगल की आगे की जो राशियाँ आएंगी वो बहुत अच्छी आ रही हैं आपकी। वृषभ राशि वालों के लिए जीवन में बड़ा नया परिवर्तन लेके आ रहा है मंगल। और दूसरी बात यह है कि ये केतु के नक्षत्र में होने से आपको दूसरी जो भाव में केतु बैठा है वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी नहीं आपकी खराब करनी है, सेंटीमेंट्स को कंट्रोल करके चलना है। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन पे बैठेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, व्यापार क्षेत्र में आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपके आपको विदेश से ऑर्डर मिल सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलता है, क्योंकि चौथी दृष्टि सातवीं दृष्टि आपकी चौथे भाव पे पड़ेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम में पड़ने से आपको धन लाभ देगा, बुद्धि से आपको कहीं ना कहीं से आपके व्यापार में वृद्धि होगा। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब मंगल जाएगा तो विदेश यात्रा के योग बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, 7वां भाव आपका पत्नी पत्नी का एक्टिवेट हो जाएगा, आपको ट्यूनिंग बनाएगा, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि के ये चांस बना के आ रहा है। अब अगली राशि की बात करते हैं, धनुराशि की। धनुराशि वालों का मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में आपके भाग्य में एकदम इंप्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि शनि की साड़शक्ति चल रही है आपके ऊपर, दूसरा फेज है, तो मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल अच्छा प्ले करने वाला है, क्योंकि आगे के ट्रांजिट धनुराशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव आएंगे। मंगल यहाँ पर सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में होने से आपके जो लगन में केतु बैठा है यहाँ पर आपको स्किन में एलर्जी हो सकती है, चोट दुर्घटना के चांस बन सकते हैं, आपको ड्राइविंग फास्ट नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। मंगल की सीधी चौथी दृष्टि 12वें भाव में जाने से आपका यात्रा आएंगी, आप कहीं घूमने जा सकते हैं परिवार के साथ, आपको यात्रा देगा, आप भगवान की यात्रा में हनुमान जी की यात्रा दर्शन करने भी जाओगे। और सातवीं दृष्टि आपकी तीसरे भाव में जाएगी, तो मित्रों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और आठवीं दृष्टि चौथे भाव में जाएगी, तो प्रॉपर्टियों में ये धन लाभ देगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में जब 30-8 को प्रवेश करेगा तो ये आपको लाभ भाव में एक्टिवेट करेगा। और दूसरी बात है कि छठे भाव के रिपुरन रोग से आपको मुक्ति कराएगा और आपके लाभ में बढ़ोतरी करेगा। मंगल का ये जो सिंह राशि में धनु राशि वालों के लिए बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों का मंगल जो है 8th हाउस में चला जाएगा, हालांकि इनका जो मित्र की राशि में गया है, लेकिन 8th हाउस में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होता है कि इनको हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्राइविंग फास्ट नहीं करनी है, कहीं पे गुस्सा नहीं करना है, किसी के अधिकारी के साथ बहस नहीं करनी है, क्योंकि ये केतु के नक्षत्र में होने से 12वें घर में अभी आपका केतु है तो कोर्ट कचहरी केस में एक्सपेंस वगैरह ज़्यादा करा देता है। आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है। मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना वगैरह करते रहिए। और इसकी चौथी दृष्टि आपकी लाभ भाव में जाएगी, आपको अचानक से कहीं से प्रॉपर्टी से धन लाभ दे सकता है मंगल। और सातवीं दृष्टि की कुटुंब परिवार में जाएगी, तो परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। और आठवीं दृष्टि तीसरे भाव में जाएगी, मित्रों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। शुक्र के नक्षत्र में 30-8 को जब जाएगा तो शुक्र की राशि आपकी 10th हाउस की, यहाँ पर आपको व्यापार में वृद्धि दिखाएगा। और दूसरी राशि पंचम की है आपकी, बच्चों से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, थोड़ा सा संतान के प्रति आप इनकी हेल्थ के लिए आप अलर्ट रहिए। अब अगली बात राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का जो मंगल है वो सप्तम भाव में इनका आ जाएगा, पति पत्नी के घर में आ जाएगा, तो आपको यहाँ से पत्नी की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। और जिनकी पत्नियों की ये राशि है उनके पति की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, ट्यूनिंग अच्छी करेगा आपकी पति पत्नी के साथ, क्योंकि मंगल का ये जो ट्रांजिट है वो अपनी मित्र राशि में होगा और केतु के नक्षत्र में होने से आपका लाभ भाव को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु आपके लाभ भाव में चल रहा है, अचानक से धन लाभ दे देगा।
और मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यापार में जाएगी, तो व्यापार से आपको धन लाभ देगा। सातवीं दृष्टि आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। थोड़ा सा चोट दुर्घटना से बच के रहना, क्योंकि सातवीं दृष्टि आपकी सीधी लगन पे जाती है शनि के घर में। और आठवीं दृष्टि आपकी कुटुंब परिवार में आपको धन लाभ दे सकता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 30-8 को जाएगा जब मंगल, तो आपको धन लाभ देगा, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हैं और आपके भाग्य में चमकाएगा। अगली राशि मीन आती है। मीन राशि वालों का मंगल जो है आपके छठे भाव में जा रहा है। छठे भाव में आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। आपने जो लोन वोन लिया हुआ था उससे आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और मंगल जो है आपकी, इनकी दृष्टि जो सीधी वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, तो भाग्य में वृद्धि करेगा और आपकी बारहवें भाव में यात्रा पे वृद्धि करेगा, यात्रा बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं, फंक्शन वगैरह में भी आप जा सकते हैं। और आठवीं दृष्टि आपकी मीन राशि पर पड़ेगी, तो इससे आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अब ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 30-8 को शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, तो आपको यहाँ पर ड्रास्टिकली आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा। आप जो दवाइयाँ खा रहे थे आपके शरीर को लगेगी। और दूसरी बात यह है कि आपके मित्रों से आपको सपोर्ट मिलेगी, भाई बहनों से प्यार मिलेगा। तो मंगल का जो ट्रांजिट है ओवरऑल सभी के लिए अच्छा है। थोड़ा बता जिनके लिए थोड़ा बता खराब है, वो मंगल के उपाय करते रहें। और आशा करते हैं हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो लेके आएंगे जो नक्षत्र के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और आप इन कैलकुलेशन का काफ़ी अपना लाभ उठा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, मंगल यहाँ पर पूरी दिन 45 दिन अस्त रहेगा सूर्य से, क्योंकि सूर्य समीप रहेगा। तो इसलिए मंगल की पावर को बढ़ाने के लिए आप लाल चीज़ों का दान करें, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और जैसे कुत्ता है उसको भी आप दूध वगैरह पड़ा सकते हैं, क्योंकि केतु के साथ भी इसका लिंक माना जाता है। इसी के साथ आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।